हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम फिर से आपके लिए इस सेशन में बिहार बोर्ड क्लास ट्वेल्थ का जो बुक है रेनबो पार्ट टू, उसमें एक पोयम है माई ग्रैंड मदर हाउस, यानी मेरी नानी का घर या जो भी कहिए दादी का घर, दोनों वही होता है। तो और जिसके जो लेखी मतलब जो कवित्री है कमला दास, यानी पोएटेस जिसको हम बोलते हैं, तो पोएटेस है कमला दास कवित्री, ठीक है। तो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, हम बता दें इनका कमला दास ये है। आप इनको फोटो भी इनके देख सकते हैं कमला दास का। बॉर्न इनका 31 मार्च 1934 में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और डाइड यानी इनकी मृत्यु 31 मई 2009 को, यानी 31 मई 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी और इनका जन्म 31 मार्च 1934 में हुआ था, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ग्रैंड मदर हाउस पोयम का नाम है और बाय कमला दास इनकी जो क्या कहते हैं पोएटेस है, कवित्री है। और यही वो घर है जिसमें जिस घर की चर्चा हो जाई है, जिस घर में नानी उनकी रहती थी, तो उन्हें ये उस वो घर उन्हें याद आता है। तो चलिए आई होप जो भी इन चैप्टर से संबंधित जितने सारे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आज उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए आज के वीडियो का हम शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए क्वेश्चन है हमारा माई ग्रैंड सॉरी ये तो हमारा हेडलाइन था। पहला क्वेश्चन हमारा है आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं कि समर इन कोलकाता इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, यानी समर इन कोलकाता एक बुक है जिसमें पोएम्स का कलेक्शन है, मतलब बहुत सारे पोएम्स उसमें कलेक्ट किए गए हैं, बहुत सारे पोएम्स उस बुक में लिखे गए हैं समर इन कोलकाता में। ये किसके द्वारा लिखे गए, तो याद रखिएगा कमला दास के द्वारा ही लिखी गई है समर इन कोलकाता, ये बात आपको याद रखना है। समर इन कोलकाता कमला दास के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है कमला दास वाज बॉर्न इन, कमला दास का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा कमला दास का जन्म 1934 में यानी 1934 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1934 1934 में हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री है कि व्हिच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी जो माई ग्रैंड मदर हाउस है उसमें स्पीच यानी भाषण का या स्पीच का कौन सा फिगर यूज किया गया। हमारे पास ऑप्शन है मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इपिक सिमल और सिमिले, तो याद रखिएगा इसमें सही आंसर होगा होगा सिमिले। सिमिले का इसमें क्या किया गया है, यूज किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा सिमिले, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्या है कि द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस, ग्रैंड मदर हाउस की जो स्पीकर है, जो वक्ता है, जो महादेवी वर्मा है, इज प्राउड ऑफ, उसे गर्व है किस पर, तो उसे हर ग्रैंड मदर्स हाउस यानी उसकी जो नानी या दादी नानी का जो घर है, दादी माँ जिसको हम कहते हैं, उस घर पे इसको क्या है, प्राउड है, गर्व है सॉरी तो उसको घर में, याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए आपके स्क्रीन पे है, यह है कि व्हेन डिड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिव विथ हर ग्रैंड मदर, यानी व्हेन डिड द स्पीकर यानी जो वक्ता है स्पीकर है वो कब माई ग्रैंड मदर हाउस अपने नानी के घर रहता रहती थी, लिव विथ हर ग्रैंड मदर अपने नानी के साथ कब रहती थी, तो ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड यानी जब वह छोटी थी लड़की थी तो अपने नानी के घर पर रहती थी और वहीं पे पढ़ती थी, ठीक है, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर होगा ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश्ड इन, यानी माई ग्रैंड मदर हाउस जो है वो पब्लिश हुआ था, कब पब्लिश हुआ था, तो याद रखिएगा ये पब्लिश हुआ था 1965 में, ठीक है, 1965 इसका सही आंसर होगा सी, यानी माई ग्रैंड मदर हाउस जो पोयम है वो पब्लिश हुआ था 1965 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज, माई ग्रैंड मदर हाउस जो है वह क्या है, तो याद रखिएगा ये एक लिरिक है, याद रखिएगा लिरिक है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट है कि ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड यानी उसके अपने बचपन के दौरान, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस
लिव्ड विथ हर, यानी जब वह छोटी थी बच्ची थी तो माई ग्रांड मदर हाउस यानी अपने नानी के घर पर किसके साथ रहती थी, तो अपने ग्रांड मदर के साथ रहती थी। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, उसकी दादी नानी जो थी उसी नानी के साथ रहती थी, ग्रांड मदर के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन है, माई ग्रांड मदर हाउस पब्लिश्ड इन, सॉरी थोड़ा सा खांसी है, तो पहला है कि माई ग्रांड मदर हाउस पब्लिश्ड इन, माई ग्रांड मदर हाउस कब पब्लिश हुआ था, याद रखिएगा, तो ये पब्लिश हुआ था समर इन कोलकाता में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अभी आपने पढ़ा भी था इससे पहले भी कि जो माई ग्रांड मदर हाउस है वो समर इन कोलकाता जो पोएम्स का कलेक्शन था उसी से लिया गया है, तो माई ग्रांड मदर हाउस जो पब्लिश हुआ था वो समर इन कोलकाता में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन है कि हु कंपोज द पोएम माई ग्रांड मदर हाउस, यानी माई ग्रांड मदर हाउस पोएम को किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है, तो याद रखिएगा कमला दास, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हु इज द स्पीकर इन माई ग्रांड मदर हाउस, यानी माई ग्रांड मदर हाउस में स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है, तो कमला दास है। कौन है? कमला दास, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, कमला दास इसके स्पीकर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि कमला दास हैज रिटन द पोएम, कमला दास ने पोएम लिखा है, कौन सा पोएम लिखा है, तो याद रखिएगा कमला दास ने पोएम लिखा है माई ग्रांड मदर हाउस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कि कमला दास इज एन पोएटेस, कैसी पोएटेस है, अमेरिकन है, इंडियन है, अफ्रीकन है, रशियन है, तो याद रखिएगा ये इंडियन है, कमला दास जो है, नाम से भी आपको लग रहा होगा कमला दास जो है, याद रखिएगा इंडियन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, इंडियन पोएटेस है, मतलब इंडियन भारतीय कवित्री है। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर, यानी कमला दास बात कर रही है, टॉकिंग अबाउट हर, किसके बारे में बात कर रही है, हु इज डेड नाउ, जो अब मर चुकी है, तो कौन मर चुकी है जिसके बारे में कमला दास बात करती है, तो याद रखिएगा वो है उसकी ग्रांड मदर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी उसकी नानी अब मर चुकी है जिसके बारे में वो बात करती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर, यानी कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज, यानी उन खुशी के दिनों को याद करती है, स्पेंट जो बिताई थी वो द स्वीट कंपनी ऑफ हर, किसके साथ बिताई थी वो सुंदर अच्छा दिन, जो हैप्पी का दिन उसे अच्छा लगता था, तो ग्रांड मदर के साथ, नानी के साथ। 15 का क्या आंसर होगा, ए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ग्रांड मदर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कि सी नोटिस्ड, यहां मुझे फील करना है बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, यानी याद रखिए इसमें क्वेश्चन है हमारा कि सी नोटिस्ड, यानी वो वहां नोटिस करती है, यह मुझे फील करना है बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, यानी बेडरूम का जो दरवाजे है उसके पीछे क्या है, ऑक्स काउ यानी डॉग, क्या सही आंसर होगा, डॉग, मुझे उसे अजनबी सा लगता है, वो घर में जहाँ पहले रहती थी वो नानी अब नहीं रही, उसके साथ वो रहती थी, उस घर की याद आ रही है कि जब नानी थी तो हम कितने अच्छे से रहते थे, उस घर में कितना खुशी होता था मुझे अपने नानियों के साथ, लेकिन अब वो नहीं है, तो जब वहाँ जाती है तो वो घर उसको अजनबी जैसा लगता है, तो कहता है वो नोटिस करती है कि अ डॉग बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम। ठीक है, याद रखिएगा ये। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, यानी जो घर है वो अब क्या हो गई है, साइलेंस हो गई है, क्यों साइलेंस हो गई है, ड्यू टू द डेथ ऑफ द, किसके मरने से, तो उस वोमेन यानी वो जो महिला थी, वो महिला कौन थी, उसकी नानी थी, उसके मरने के वजह से वह अब क्या, वो घर जो है बिल्कुल क्या हो गई है, साइलेंस, शांत हो गई है, जिस घर में हमेशा खुशी रहती रहा करता था, उसकी नानी थी, ये भी वहाँ बचपन में रहती थी, खेलती थी, हंसती थी, खुश रहती थी, लेकिन वो अब वोमेन बनी, वो महिला अब क्या हो चुकी है, मर चुकी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, माई ग्रांड मदर्स हाउस इज एन, माई ग्रांड मदर हाउस जो है वह क्या है, यहाँ मुझे फील करना है पोएम बाई कमला दास, बायोग्राफिकल है, ऑटोबायोग्राफिकल है, तो याद रखिएगा ऑटोबायोग्राफिकल है, क्यों, क्योंकि ऑटोबायोग्राफिकल इसलिए बोलते हैं कि कमला दास की खुद उसकी अपनी जिंदगी से संबंधित है, उसने अपनी जिंदगी का जो एहसास है उसी को उसने इस पोएम के माध्यम से, लिरिक के माध्यम से, गीत के माध्यम से लोगों को बताया है अपनी जिंदगी की बातें, तो एक ऑटोबायोग्राफिकल हो गया, यानी उसकी आत्मकथा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, तो क्वेश्चन नंबर 19
क्या है देखिए, द पोएटेस यानी जो कवित्री है इन द ग्रैंड मदर हाउस में, ग्रैंड मदर हाउस में बेग्स एट या डोर्स, वो क्या कर रही है यानी वह अब बेग्स एट स्ट्रेंजर्स डोर्स, यानी अब वो घर जो था उसे अब सॉरी यहाँ पर ऑप्शन सी होना चाहिए था, डी कर दिया, सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, यहाँ पर दो बार डी हो चुका है, आप देख सकते हैं सी होगा, स्ट्रेंजर्स इसका सही आंसर होगा, मतलब कि द पोएटेस जो कवित्री है ग्रैंड मदर हाउस की कमला दास, बेग्स एट यानी उसको उसको अब क्या लग रहा है वहां पर, उसको अजनबी सा लग रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी दरवाजे पे आ गए, क्योंकि वो दिन थोड़ा सा अलग था, नानी थी उस घर में, हम रहते थे उसके साथ, उसे अच्छा लगता था अपने नानी के साथ, तो उस समय अच्छा घर था, जाना पहचाना था, लेकिन अब उस दरवाजे पर जब जाती है तो वो घर उसको अनजान सा अजनबी जैसा लगता है, सुना सुना सा लगता है, घर साइलेंस हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव, कहता है कि देयर इज अ हाउस, एक घर है नाउ फार अवे, जो अब बहुत दूर है, वेयर जहां वंस आई रिसीव लव, जहां मैं कभी रिसीव लव यानी प्यार पाया करती थी, प्राप्त किया करती थी। तो वो ये लाइन इज फ्रॉम द पोयम, किस पोयम से लाइन लाया गया, तो याद रखिएगा जहां भी इस तरीके का किसी दूर घर की बात हो, जहां प्रेम पाने की प्यार पाने की बात हो, नानी की बात हो, तो याद रखिए वो ग्रैंड मदर हाउस ही होगा, क्योंकि इस बुक में एक ही माई ग्रैंड मदर हाउस की चर्चा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा माई ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है कि बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग इज रिटन बाय, यानी ये जो लाइन है बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग, यानी मेरे बेडरूम के जो दरवाजे है उसके पीछे लाइक अ ब्रूडिंग, मतलब एक अजनबी सा चीज, मतलब कुछ अलग सा टाइप लगता है, मतलब जैसे इससे पहले जैसा आपने देखा था कि जैसे लगता है कि कोई कुत्ता है या कुछ है, मतलब ड्रामना जैसा लगता है। तो ये लाइन कहाँ से ले आया गया है, बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग, तो याद रखिएगा ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है, कमला दास के द्वारा माई ग्रैंड मदर हाउस में लिखा गया है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, कमला दास, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 और आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि स्नैक्स वेयर सीन अमंग, यहां मुझे फील करना है इन माय ग्रैंड मदर हाउस, यानी ग्रैंड मदर हाउस में ये बात कही गई है कि स्नैक्स वेयर सीन, सांप देखा जाता है अमंग, किसके बीच में, तो बुक्स के बीच में, जहां वो बचपन में रहती थी, अपनी किताबें रखती थी, उस पर पढ़ती थी, लेकिन अब वहां पर जो किताबें रखी हुई है बहुत दिनों के बाद ये जाती है, तो उस लगता है कि जैसे वो बुक्स में, हो सकता है हम बहुत दिन के बाद जाते हैं तो उसे ऐसा एहसास होता है कि इस बुक में सांप है, कोई अजीब सा लगता है, ठीक है। तो पोएम में इसकी चर्चा की गई है कि स्नैक्स वेयर सीन अमंग बुक्स, यानी सांप दिखता है, लगता है ऐसा कि सांप होगा कहाँ पर, तो इन अमंग बुक्स यानी किताबों के बीच में, जहाँ पर वो एक पहले बढ़ा करके पढ़ा करती थी बचपन में। तो इसका ऑप्शन नंबर बुक्स होगा, सही आंसर होगा जो पोएम में चर्चा किया है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर हाँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।